and insulator. Conductors and insulators. कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर से बिटवीन है, यानी ये जो गैप है ये बीच दोनों के बीच में है, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। अब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में आपको बोल चुका हूं, तो दिस इज द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर टाइटली हेल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, देयरफॉर जो जिसमें वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर बोल के काम करता है, बैड। वेयर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस इन अ कंडक्शन बैंड दे आर एक्ट एज अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका गुड कंडक्टिविटी बोल के काम करता है। यानी कि आपको याद रखना है बेटा, बहुत सी सिंपल सी बात बोलता हूं मैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दीज आर द वैलेंस सेल। जैसे कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टडी की है, तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल दैट फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सेड टू बी स्टेबल, उसको स्टेबल बोलते हैं। तो वैसे ही ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस सेल है, एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड और कंडक्शन सेल। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन सेल में ज्यादा है दे एक्ट एज अ गुड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब जाता है तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितना बैंड गैप कम हो उतना इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर बोल के काम करता है, बैंड गैप जितना ज्यादा है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर बोल के काम करता है। सो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि बैंड गैप इंसुलेटर में बहुत बड़ा होता है, कंडक्टर में बैंड गैप दे आर ओवरलैप विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ओवरलैप है, एंड सेमीकंडक्टर में बैंड गैप बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे उसको एनर्जी बोलते हैं, तो इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी therefore you will observe that, यदि हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यदि यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन जाता है, यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो गुड कंडक्टर। सो दिस इज द लोअर एनर्जी, दिस इज द हायर एनर्जी। नाउ जितनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। सो दिस इज द इंटरमीडिएट बैंड गैप, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं कि ये फॉरबिडन गैप होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बैंड गैप, बैंड गैप। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंड थ्योरी, उसको बैंड थ्योरी बोलते हैं, we judge, we determine whether the given substance either insulator, conductor or a semiconductor. Semiconductor है, insulator है या क्या है, ये only and only you find on the basis of the band gap. Therefore, semiconductor का जो conductivity range होता है, कंडक्टिविटी रेंज, दैट इज इन ऑर्डर, कंडक्टिविटी रेंज का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 6 टू 10 टू द पावर प्लस 4 यूनिट होगा उसका पर ओहम पर मीटर। आप बोलेंगे इसको यू कैन कॉल इट पर ओहम पर मीटर, सेमीकंडक्टर, इन्सुलेटर,
these are the all the concept included band theory. Band theory के हिसाब से इसको band theory भी बोलते, यानी जो theory है, consider the formation of two bands, conduction band. Conduction band, highest energy band containing electrons. If the large number of electrons in conduction band, they act as a good conductor. The valence band having lower energy than conduction band. And the electron in the valence band are not free to move because they are tightly bound to the respective nuclei. मैंने बोला है आपको valence band के जो electron है जिसमें ज्यादा है वो गुड कनेक्टर नहीं बल्कि बैड कनेक्टर बल्कि काम करता है. ओके, तो ये जो गैप है, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप. इधर एनर्जी गैप जीरो है, लेस है, इनर गैप वेरी हाई. इधर एनर्जी गैप क्या होता है बेटा? इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट. तो ये जो है बैंड गैप आर ओवरलैपिंग इन केस ऑफ द मेटल्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के जो गुड कंडक्टर्स है बराबर है ये मेटल्स. ओके, तो सेमी कंडक्टर में क्या है? कंडक्टर इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड इंसुलेटर्स. सेमी कंडक्टर का जो बैंड गैप होता है इंटरमीडिएट होता है. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इसके एग्जांपल है बेटा. सिलिकॉन जर्मेनियम जो सेमी मेटल्स होते हैं पर्टिकुलरली दे आर पार्टिसिपेटेड और दे आर यूज्ड इन द सेमी कंडक्टर. सीधे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल्स. ओके, येते लक्षात. चला स्क्रीनशॉट घ्या बरं बेटा त्याचा. Hola. आर्यन इंगले, अरे दानिश आता आला का तू? दानिश कधी जॉइन झाला? दानिश कधी जॉइन झाला तू? उशिरा जॉइन झाला. दानिश
इधर आ जाएंगे ना। ओ कारे बाबा पूछे केला होता पर ते साहिल कुठे गेला? साहिल तो काही जॉइनच होत नाहीये। हा क्लियर झालं का इथपर्यंत? लक्षात आलं समजलं? आया क्या समझ में बेटा? समझ में आया सबको? ये झालं तुमचं बँड थेरी। आता कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के टाइप्स। Types of semiconductors. इसको बोलते हैं नंबर वन इंट्रेंसिक, सेमीकंडक्टर्स। दूसरा वाला है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स। प्यूरेस्ट सेमीकंडक्टर, प्यूरेस्ट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन सा है? प्यूरेस्ट होता है, उसकी लो कंडक्टिविटी होती है। Conductivity increases with temperature. और तुम्हाला एक सांगतो, यहां पर जो कंडक्टिविटी है सेमी कंडक्टर की, कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। यानी कंडक्टर तो ऑलरेडी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल की कंडक्टिविटी की टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल इन द केस ऑफ द मेटल। अप्लाई पोटेंशियल थ्रू इट, जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जैसे जैसे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड
सर ऑडियो चालू करा, सर माइक अनम्यूट करा। हाँ ये तो आते ये तो ना हाँ आते हाँ तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं प्यूरेस्ट सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, जनरली सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, आर्सेनिक, ईटीसी, एंड दीज आर कॉल्ड एज प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक ये प्योर सेमीकंडक्टर, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, हम इम्प्यूरिटी एडेड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, increase conductivity of semiconductor. A process, ये process को बोलते हैं डोपिंग। ये टॉपिक सेमीकंडक्टर आप स्टडी करेंगे फिजिक्स में भी। The process of adding of impurity into the semiconductor, that is called as doping. एंड इम्प्यूरिटी जो ऐड करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज डोपेंट, उसको बोलते हैं डोपेंट, दैट इज कॉल्ड एज डोपेंट, डोपेंट, PANT, डोपेंट। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर on the basis of their impurity added, they are further classified into n type of semiconductor and dusra wala hai p type of semiconductor. N type of semiconductor and p type of semiconductors are there. N type semiconductor and p type semiconductor. तो ये एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आर प्यूरेस्ट सेमीकंडक्टर, लो कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी जनरली क्या होती है? हाई होती है, हाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हाई, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें इंप्यूरिटी ऐड होता है। एन टाइप एंड पी टाइप, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ऐसे एलिमेंट ऐड करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, इधर अपन ऐड करते ट्रावैलेंट इंप्यूरिटी। The element from the 15 group, element from 13 group, आता यहां से डिटेल अपन उद्याच्या लेक्चर ला स्टडी करू। इसका जो डिटेल है विल फर्दर विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक के दो टाइप, ENN P. ENNP, I will tell you later tomorrow again. I will repeat this because we have to elaborate this again. Now, intrinsic, impure, a purest form of semiconductor, impure. Low conductivity, high conductivity. इसमें impurity add करते, उसकी conductivity बढ़ाते,
बाय एडिंग इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी क्या है, क्यों ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी के हिसाब से उसके दो टाइप्स बढ़ते हैं, दैट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई होप यू माइट अंडरस्टैंड दिस। नाउ टुमारो वी विल हैव एन टाइप ऑन पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, afterwards we will have, these are the conduct electrical conductivity of solids, and we have to see magnetic property of solids, that is magnetism. So only magnetism is remain after completion of this, matlab ye complete karna abhi baki hai, uske baad hum matlab kal to nahi lekin parso topic kal hope that will finish. But the day after tomorrow, definitely the topic will be finished. Okay, so we will meet again in next lecture. Thank you. Have a good day. Thank you. Can take screenshot of. Bye. Bye bye. Screenshot kya? ठीक है, ओके, वी आर गोइंग टू स्टॉप लेक्चर हियर, बाय, गुड डे।